और अब बात करते हैं कोरोना काल के उस काले सच की जो लोगों को डरा रहा है। दरअसल हम आज आपको साजिश से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि कोरोना वैक्सीन की आड़ में रची गई है और इसे अब साइबर क्राइम का नया हथियार बना लिया गया है। दरअसल यूपी के कानपुर के साथ ही कई शहरों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोगों के पास कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन को लेकर फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज मांगे। उसने लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जानकारी ली। इस बातचीत के कुछ देर बाद लोगों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी पिन आया, जिसके बाद फिर से उस शख्स का फोन आया जिसने आधार, पैन जैसे दस्तावेज की जानकारी मांगी थी। वहीं कुछ लोग इस झांसे को अब तक नहीं समझ पाए थे, ऐसे में इन्होंने अपना ओटीपी इन जालसाजों के साथ शेयर कर दिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद इन साइबर शैतानों ने मासूम लोगों के अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया। वहीं लोग इस फ्रॉड की वजह से सख्ते में आ गए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि लोगों के साथ कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। साथ ही पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि कोई भी अपनी निजी जानकारी फोन पर किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर लोग ऐसा करते हैं तो फिर साइबर ठगी करने वाले उनकी गाढ़ी कमाई लूट सकते हैं। तो देखिए, सावधान रहें और किसी से भी अपनी डिटेल्स शेयर ना करें। वहीं यूपी में नए स्वरूप वाले कोरोना वायरस ने भी दस्तक दे दी है, यानी कि जिस नए स्ट्रेन का खतरा जताया जा रहा था वो अब यूपी में भी पहुंच गया है। भारत पहुंचे इस कोरोना के नए स्ट्रेन की दहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी वजह से ब्रिटेन में कोहराम मचा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में लोग इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस वायरस की जीनोम सिक्वेंसिंग पता लगाने के लिए वैज्ञानिक भी जुटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि इस वायरस से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठी की जाए ताकि इससे निपटने के लिए भी मुकम्मल वैक्सीन बनाई जा सके। कल ही देश में नए स्ट्रेन वाले वायरस के 6 मामलों का पता चला था और आज ये मामले बढ़कर 20 तक पहुंच गए हैं। वहीं यूपी में भी नए स्ट्रेन वाले कोरोना वायरस के 8 मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, ऐसे में हमारी अपील आपसे यही है कि कोरोना के इस काल में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और साइबर के जरिए जो आपसे ठगी कर रहे हैं उनसे भी बच कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी।